थाने साहब रिपोर्ट लिखवानी है। बिल्कुल लिखेंगे जी, रिपोर्ट लिखन बैठे हैं डे, और क्या मर्जी ले भी तारे हैं। बताओ क्या तकलीफ है आपकी? तकलीफ तो जी जाड़ में घना दर्द रहा है, सोया भी ना जाता रात में। मैं नु बुझूं रिपोर्ट किस चीज की लिखूं? जी मारी भैंस चोरी होगी। ओहो, भैंस चोरी होगी, बहुत तकलीफ की बात है जी, कैसे झेल रहे हो इतना दुख? जी मारा पूरा परिवार दुख के सागर में डूब रहा है। थोड़ा बैठ गया जी, रिपोर्ट लिख लो आप। मैं अभी रिपोर्ट बनाता हूँ आपकी। क्या नाम बताया आपने? जी सुनीता। और भैंस का? जी भैंस का नाम सुनीता है, मेरा तो कालो है। नो दैट मेक्स सेंस। अच्छा आपके पास कोई फोटोग्राफ है? बिल्कुल जी, फोटो ही फोटो है। इंस्टाग्राम पर @kalo123 के नाम तो हूँ मैं। एक दो फोटो लाइक कर दियो, कोई भी ना करता। फोटोज का तो ऐसा है जी, ये तो जमाना है ना, बहुत बेदर्द है। कोई किसी के फोटो लाइक करके खुश नहीं। मेरा खुद का अकाउंट बैठा पड़ा है, ये मेरे खुद के हौलदार देख, एक फोटो लाइक नहीं करते मेरा। क्यों झूठ बोल लो जी, सारे फोटो ना लाइक करा, आप खुद ना कर लो हमारे फोन ना दे। अरे झूठे हैं ससरे। वैसे मैं जी आपका फोटो नहीं मांग रहा था, आपकी भैंस का कोई फोटो होगा? जी ली तो थी रिसेंटली उसकी गर्ल सेल्फी मने, पर देखनी पड़ेगी, शायद गुम होगी सर जी। इतने इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स आप कैसे गुम कर सकते हो? मने ना करी जी, यो चिंटू का पापा नहीं है, लड़ा है ना जब मेरे फोन ना तोड़ दे। बहुत दुखी हूँ जी मैं इससे। ओहो, इस चिंटू के पापा के खिलाफ रिपोर्ट लिख दूं? ना जी ना, आज आप भैंस की लिख लो, अगली बार इसके पापा की भी लिखवा दूंगी। चलो जैसा आप ठीक समझो, भैंस का उलिया समझा दो एक बार, देखने में कैसी थी? दिखने में बहुत सुंदर थी जी, जब मुंह में चारा लेके ऐसे जुगाड़ती थी ना, बड़ी प्यारी लगती थी जी। देखो जी, जुगाड़ता हुआ तो हर आदमी प्यारा लगता है। अब हमारे इस खाजले हौलदार को देख लो। ओए करके दिखा जी, कति इतनी प्यारी लगया करती जी, और आसपास के सारे जोटे फिदा थे जी उसपे। अरे जोटे से मुझे ध्यान आया, उसका किसी जोटे के साथ कोई अफेयर तो नहीं था? नहीं जी नहीं, हमारी सुनीता तो बहुत शरीफ थी, बहुत संस्कारी भैंस थी जी कती। नहीं नहीं नहीं, आजकल पता है गलियों में एक जोटा निकला हुआ है वांटेड, बहुत सारी भैंसों को बजा ले गया ये। हो ही नहीं सकता जी, मारी सुनीता सीधी जोड़ बदना का अपने घर आया करती, कदे किसी का नजर उठा कर नहीं देखा, चाहे कोई कितना हैंडसम जोटता हो। चलो ठीक है जी, अच्छे संस्कार दिए आपने अपनी भैंस को, मैंने आपकी रिपोर्ट लिख ली है, और मैं अपने जोटे अपने हवलदार को छोड़ देता हूँ, जैसे ही कोई खबर मिलेगी ये आपको बता देगा। चलो ठीक है जी थानेदार साहब, चल लू। अरे गया नहीं तू भैंस ढूंढने? साहब वो पेटला जा रहा है, भैंस ढूंढने में एक नंबर है, सांझ थी भैंस ने ढूंढ लिया होगा। भाई साहब ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, लीलू सरपंच की बहू थी वह, अगर शाम तक भैंस नहीं पाई ना गई मेरी नौकरी।